नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में कथावाचक मोरारी बापू पर हमला हो गया। हमला करने वाले शख्स बीजेपी के पूर्व विधायक बताए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि वो 7 बार से बीजेपी के विधायक रह चुके हैं और कृष्ण और बलराम पर जो कथावाचक मोरारी बापू ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उससे वो परेशान थे, जिसके बाद जब द्वारकाधीश मंदिर में मोरारी बापू दर्शन के लिए आए उसी दौरान उन्होंने मोरारी बापू पर हमला करने की कोशिश की। जिस शख्स ने कथावाचक मोरारी बापू पर हमला किया है वो बीजेपी के पूर्व विधायक पभुआ मानेक हैं। पभुआ मानेक दरअसल जब मोरारी बापू द्वारकाधीश मंदिर में मीडिया को संबोधित कर रहे थे उसी दौरान वो पहुंच गए और उन्होंने कोशिश की कि वो मोरारी बापू पर हमला कर सके, लेकिन लोगों ने उन्हें रोक लिया। ये कहा जा रहा है कि उस वक्त वहाँ पर जामनगर से बीजेपी सांसद पूनम मैडम भी मौजूद थी जिन्होंने बापू को बचा लिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक कथा के दौरान मोरारी बापू ने कृष्ण और बलराम को लेकर अपनी बात कही थी, जिसके बाद से यादव समुदाय में विरोध लगातार दिख रहा था और जब द्वारकाधीश मंदिर में मोरारी बापू दर्शन के लिए पहुंचे उसी दौरान बीजेपी विधायक ने उन पर हमला करने की कोशिश की। अब मोरारी बापू के समर्थकों का ये कहना है कि मोरारी बापू को जल्द से जल्द प्रशासन सुरक्षा जरूर मुहैया कराए, जिससे आने वाले दिनों में इस तरीके की कोई घटना घटित ना हो। आपको बता दें कि मोरारी बापू के कुछ वीडियोज़ को आपत्तिजनक तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसके बाद से इस तरीके के विवाद सामने आ रहे हैं और कुछ समाज में इसे लेकर आपत्ति भी है। हालांकि आप हमारे पेज पर जाकर उन वीडियो की सच्चाई को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक भी हम देंगे, जिसे आप जान सकते हैं कि आखिर इस विवाद के पीछे की सच्चाई क्या है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में कथावाचक मोरारी बापू पर हमला हुआ है।